हेलो हेलो। जी भैया जी, प्रणाम, कैसे प्रणाम प्रणाम। लाडो मदेसिया जी, हमारे बहुत ही अच्छे भोजपुरी के सिंगर, आजकल क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे हैं? हैं? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं सर। अभी तो मैं फिलहाल, मेरी फिल्म शूट चल रही है, दिल्ली में मैं हूँ। अच्छा शिवानी फिल्म में मैं और काजल राघवानी जी हैं। आप तो इन दिनों फिल्मों में बड़े व्यस्त हैं, हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। जी, आप लोग का आशीर्वाद है सर। लाडो जी, आपसे किसी विषय पे थोड़ी सी बातचीत करनी थी और मैं आपकी जी बात को जी रिकॉर्ड करूंगा अगर आपकी इजाजत हो तो, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं सर, और चलिए उसको मैं बात सोशल करते मीडिया पे डालूंगा। कह हैं। जी जरूर जरूर, कोई बात नहीं है। रहे हैं कि अभी सोशल मीडिया पे कई सारे सुपरस्टार एक दूसरे से उलझे हुए हैं भोजपुरी के। एक गाना आया जी है परी लागेलू, जी हाँ, परी लागेली। जिसको भोजपुरी के चर्चित गायक प्रमोद प्रेमी यादव जी ने अभी अभी रिलीज किया है, और जी, इस गाने को लेकर बहुत ज्यादा मामला गर्म हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में। उधर से खेसारी जी की टीम जो है, प्रमोद जी की टीम है, और तमाम लोग एक दूसरे पर कह रहे हैं कि तुमने मेरा गाना चुराया तो तुमने मेरा धुन चुराया, जबकि हमने पता किया जी तो इस धुन को सबसे पहले आपने गाया था। जी भैया, मेरा ही 4 साल पहले ये गाना मेरा गाया हुआ था। ये देव कंपनी से था। जी मैं थोड़ा सा गाने का बोल सुना भी देता हूँ, ऐसे था बिल्कुल, गाना। सुना दीजिए दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। गाना ऐसे था, कि गोरी पड़ जाए बड़ी महंगा, हो गोरी पड़ जाए बड़ी महंगा, तोरे लखना हुआ लालहंगा, ऐसे ही बोल था सर। क्या बात है, क्या बात है, और ये मैं तो देख रहा सेम हूँ वही धुन है। कि गोरी पड़ जाए बड़ी महंगा, तोरे लखनऊ वाला लहंगा, ये चार जी साल जी पहले वेब कंपनी से आया था। पड़ जाए जी बड़ी जी महंगा ये एल्बम का नाम था। जी और मैं देख रहा हूँ पूरा लगे हुए हैं लोग, मेरा है तो मेरा। सच पूछे तो मैं रियली बता दूँ, ये जी हिंदी टून है, ठीक जी है, ये हिंदी टून है। ऐसा विवाद करते करते ऐसा ना हो कि उनके नॉलेज में हो जाए कि ये हिंदी टू ना, सबका उतर जाएगा सबका उतर जाएगा, बिल्कुल मार्क्स बिल्कुल, से। ऐसा होगा तो मैं सबका एक उतर चीज कहना जाएगा। चाहता हूँ, मैं जी एक जी चीज कहना चाहता हूँ, ठीक है। यूपी और बिहार सब लोग भाई भाई हैं, जी और बिहार में मैं देखता हूँ अक्सर लोग आपस में उलझे रहते हैं। मैं बहुत न्यूज हम लोग देखते हैं, सारे लोग देखते हैं, बहुत उलझे रहते हैं लोग। जी जी मेरा एक कहना है कि कंपटीटर बनिए, विवाद मत करिए। एक दूसरे को देख के मैं आपसे बेस्ट करूं, मैं आपसे बेस्ट करूं, ये होना चाहिए। ये आपस में उनको गाली देना, उनको गाली देना, ये वो करना अच्छा नहीं लगता है। मतलब बाहर भोजपुरी लोग, बाहर के लोग अगर इंडस्ट्री वाले देखते हैं तो बोलते हैं हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। जी फिलहाल जी ये मेरा सोच है, अब हो सकता है क्या है क्या लेकिन नहीं एक बड़ा है। गंभीर जो चीज देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं वो गंभीरता वाली बात है। अब तक आप इस विषय को लेकर कहीं चर्चा नहीं किए थे, मैं फोन नहीं करता तो शायद आप बताते भी नहीं कि इस धुन नहीं को जो है बताया। आप गाए हुए हैं पहले, तो कहीं ना कहीं इस धुन के ऑनर तो अभी तक अभी आप ही जो है कि है इंडस्ट्री में सबसे पहले। हिंदी के बाद अगर देखा जाए, हिंदी का जो ये ट्यून है उसके बाद भोजपुरी में इसको सबसे पहले आप ही ने गाया है, सबसे पहले मैंने ही गाया इसको। लेकिन आप कहीं लाइव नहीं आए, कहीं कुछ लिखे नहीं। छोड़िए ना, ये सब चक्करों में नहीं पड़ते हम लोग। क्या है कि अब काम करते रहता है, ऐसा नहीं कि काम हम नहीं कर रहे हैं, सारे लोग काम कर रहे नहीं, हैं। लगातार आपकी फिल्में तो महादेव एकदम लगातार शूटिंग भी चल रही है, जैसे फिल्में टीवी पे आ भी रही हैं, हर जगह फिल्में देखने को मिल रही हैं, लगातार आप फिल्में कर ही रहे हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल, लगातार फिल्में हो रही है, मेरी फिल्में जी कर रहे हैं। अभी एक मेरा गाना और आया है, गिरिराज म्यूजिक पे आया है, बहुत अच्छा, अभी रील्स पे ट्रेंड कर रहा है। गाना ये है कि गोर चाहे करिया मर्दा मर्दा होला, पीके जब आवे गर्दा गर्दा होला, गोर चाहे करिया मर्दा मर्दा होला, पीछे जब आवे गर्दा गर्दा होला।
अब देखिए हो सकता है इसको भी ना लोग कॉपी अपनी कर ले। ये बड़ा हो रहा है भोजपुरी में, आप डरिए इससे। देखिए जब कितना बड़ा गाना मैंने नहीं बोला, रितेश भैया ने गाना गाया लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, क्या बात है ये, इसको भी आपने गाया था इस धुन को भैया अभी क्या ही मैं बोलूं। सुना ही दीजिए लाडो जी, सुना ही दीजिए, लोग आज जान जाए। YouTube पे डालेंगे लौंडिया लंदन से लाएंगे लाडो मदेशिया तो आपको MP3 दिख जाएगी। इसी कारण बस सब वीडियो उड़ गया था मेरा दे, दे, दे। और 7 साल पहले उसपे शो करेगा मेरा लौंडिया लंदन से लाएंगे। क्या बोल था लाडो जी अगर याद हो उसकी लाइंस तो? एकदम यही बोल था, लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे, एकदम सेम बोलता। आगे का थोड़ा सा वो चेंज था लेकिन पंचिंग लाइन यही था, लौंडिया लंदन से लाएंगे। हाँ, इसको 7 साल पहले आपने गा दिया था जी, क्या बात। लालो जी आप तो बड़े बड़े हिस्ट्री बना के साइलेंट बैठे हुए हैं, बोलते क्यों नहीं? होगा अब मामला अभी देखिए फिल्मों को रुझान था, अभी भी है फिल्मों को रुझान, अब गाने भी छूट रहे हैं मेरे और अब जरूर होगा। लेकिन बस यही है कि हम लोग की आदत नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि सब प्रभु की माया है, जिससे जो नसीब में है वो होगा, लेकिन ये सब देखने के बाद लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, आपके गाए हुए गाने को दोबारा गा के रितेश पांडे फिर से ट्रेंड में आ गए थे। सब लोग भाई है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यही मैं मेरा कहना यही है कि लोग आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि ये बातें दूसरी इंडस्ट्री में जाती है तो फिर वो लगता है कि यार कैसे हैं लोग हमारी भोजपुरी, क्योंकि भोजपुरी को लोग गाली देते हैं। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग गाली दें, क्योंकि दो पैसा जो भी मेरे घर में चाहे मैं जो भी खाता हूँ इसी के बदौलत खाते हैं हम लोग, ठीक है, भोजपुरी इंडस्ट्री के बदौलत। और सभी ने निवेदन है, सबसे आग्रह है, खिसारी भैया हो चाहे प्रमोद भैया हो चाहे जो भी हो, जो भी हमारे सिंगर हैं, सब भैया लोगों से मैं यही कहूंगा, कंपटीटर बनिए लोग, झगड़ा मत करिए प्लीज आपस में। आप लोग ये बनिए कि मतलब मैं आपसे बेटर करूं, ये विवाद वो विवाद अच्छा नहीं लगता फिलहाल। वैसे उन लोग की मर्जी, मेरी बात जो थी मैंने रख दिया। क्या बात है, चलिए बहुत बहुत शुभकामना है, आपकी नई फिल्म आने वाली है और काजल राघवानी जी के साथ अभी आपकी एक और फिल्म रिलीज हुई है, लोगों ने बड़ा भर भर के प्यार दिया है, श्रोताओं के लिए क्या कहिएगा दर्शकों के लिए? दिल से प्रेम है सबको और जैसे प्रेम देते हैं आशीर्वाद देते हैं ऐसे ही हमको और दें। अभी काजल मैम जी के साथ मेरी ये 6वीं फिल्म है और लगातार फिल्म कर रहा हूँ। मेरी सास पहले आ पाया, फिर उसके बाद अभी मैंने किया है भौजी फिल्म और वैदे ही शिवानी, ऐसे करके लगातार फिल्म चल रही है मेरी अभी। जी जी, और मैं दर्शकों को बोलूंगा कि ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दें और दिल से प्रणाम है सबको। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बातचीत करने के लिए, थैंक यू। ओके थैंक यू।